ओके सो फिनोमोलॉजिकल अप्रोच में क्या है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर स्टडिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कि वो उन एक्सपीरियंस को कैसे देख रहे हैं, ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंसेस को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बारे में कैसे उसको रिमेंबर कर रहे हैं. तो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसिस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसिस कैसे हैं. अब उनके एक्सपीरियंसिस ऑर्डनरी भी हो सकते हैं जैसे ग्रॉसरी शॉपिंग, और लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं जैसे गेटिंग मैरिड है. हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और एनालाइज कर रहे होते हैं कि जो ह्यूमन के लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं. फिनोमिनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ड्राइव फ्रॉम इट इज़ अ जर्मन फिलोसफी. अब हम एनालिसिस कैसे इसका करते हैं स्टार्ट इस फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में, कि हम ये समझते हैं कि देर इज़ एन एसेंस टू एन एक्सपीरियंस, कि अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई इंडिविजुअल किसी लाइफ इवेंट को, किसी फिनोमिना को अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका पीछे कोई ना कोई कोई इम्पॉर्टेंट उसके मीनिंग्स अटैच हैं, उसके साथ उसके इम्पॉर्टेंट आप ये कह सकते हो कॉन्सेप्ट्स अटैच हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, तो वो उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन एक्सपीरियंसेस को. इवन अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जैसे मैं ये कहती हूँ कि किसी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मदरहुड की, ठीक है. अब मदरहुड है, मदरहुड क्या है कि एक औरत है, शी इज़ अ मदर, तो हाउ शी इज़ फेसिंग या हाउ शी इज़ एक्सपीरियंसिंग दैट फिनोमिना और दैट एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड, ठीक है, मदरहुड के वो माँ है, तो वो माँ होते हुए वो जो ये जो सिचुएशन है इसको वो कैसे देख रही है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है. तो सिचुएशन तो सिमिलर है, फिनोमिना तो सिमिलर है, लेकिन हर कोई इस मदरहुड को किस तरह से देख रहा है, हर एक मदर जो है वो इस सिचुएशन को, इस फिनोमिना को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, वो आइडेंटिफाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए हम क्या करते हैं इसके अंदर, वी टेक सेवरल लॉन्ग इन डेप्थ इंटरव्यूज, ठीक है, कि हम इंडिविजुअल्स जो किसी भी फिनोमिना को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, हम उनके साथ इंटरव्यूज लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग और यू कैन से इन डेप्थ इंटरव्यूज होंगे. सो फिनोमिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है, कोई भी फिनोमिना है उस फिनोमिना की नेचर क्या है, उस फिनोमिना का मतलब क्या है, ठीक है, और वो किस तरह से देखेंगे हम उसके पार्टिसिपेंट्स को, लोगों को जो लोग उन फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको देख रहे हैं. जैसे यहाँ पे ये है मदरहुड, मदरहुड इज अ फिनोमिना, ठीक है, और इट इज वन ऑफ इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स इज अ पेरेंट विद वन और मोर चिल्ड्रन, कि कोई भी पेरेंट, कोई भी वालदैन में से विद वन और मोर चिल्ड्रन होंगे तो वो इस फिनोमिना को फेस करेंगे, दैट इज द सिचुएशन ऑफ मदरहुड. अब इसका पर्पस क्या है इस फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी का, जिसके अंदर हमारे पास जो हमने फिनोमिना लिया है वो मदरहुड लिया है फिनोमिना. अब इस फिनोमिना का मकसद क्या है, नॉट टू एग्जामिन द स्पेसिफिक लाइव्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल 20 मदर्स, कि हमने उनकी जिंदगी नहीं देखनी कि वो उनकी जिंदगी क्या है, क्योंकि आप मदरहुड देख रहे हैं ना, हम मदरहुड एक फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 20 मदर्स का, हमने उनकी स्पेसिफिक लाइफ को नहीं ऑब्जर्व करना, ठीक है, बल्कि हमने क्या देखना है कि हाउ दे आर व्यूइंग दिस फिनोमिना ऑफ मदरहुड, उनके लिए मदरहुड क्या है, ठीक है, हमने उनके लिए उस मदरहुड से रिलेटेड पूछना है कि ये जो फिनोमिना जिसको वो फेस कर रही हैं, ये फिनोमिना जिसके वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो उसको कैसे देख रही हैं. To synthesize the commonalities of the collective experience and perceptions of motherhood, एक तरफ तो हम ये देखेंगे कि collectively जो mothers हैं, जो parents हैं, इस motherhood के phenomena को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके experiences क्या हैं, उनके related perceptions क्या हैं. अब एक तरफ अगर हमने डेटा ले लिया, इन डेप्थ इंटरव्यूज के जरिए हमने डेटा लिया, अब डेटा करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट्स निकले हैं या क्या इंफॉर्मेशन आई है, कि कुछ लोग मदरहुड के फिनोमिना को देखेंगे एज अ केयर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कुछ ये देखेंगे कि इट इज़ एन केयर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सम विल वन सम माइट ऑब्जर्व इट एज अ फिनोमिना एज अ प्रोटेक्टर्स ऑफ वंस चाइल्ड, ठीक है, कि मदरहुड एज अ फिनोमिना है, एज अ ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसी सिचुएशन है जो कि इसके साथ क्या आप करेक्टरिस्टिक्स अटैच है, द केयर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वंस
चाइल्ड. ठीक है, सो पर्पस इज टू कम टू एन इंटीमेट अवेयरनेस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, फिनोमिनोलॉजी के जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम अवेयरनेस कर रहे होते हैं, हम डीप अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं ऑफ हाउ ह्यूमंस एक्सपीरियंस समथिंग. के ह्यूमंस जो हैं वो किसी भी फिनोमिना को, किसी सिचुएशन को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इट इज रिवीलिंग टू अनदर व्हाट गोज थ्रू वंस माइंड. ठीक है, टू कम टू एन अवेयरनेस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, हम क्या करेंगे कि कोई भी ह्यूमन एक्सपीरियंस को अगर कोई फेस कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमने उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है. इट इज रिवीलिंग टू अनदर व्हाट गोज थ्रू वंस माइंड. ठीक है, कि जो पीपल द इंडिविजुअल हु आर एक्सपीरियंसिंग एनी पर्टिकुलर फिनोमिना. ठीक है, तो वो उस फिनोमिना की वजह से क्या उनके जहन में गुजर रही है, क्या वो उसके बारे में सोच रहे हैं, वो उसको कैसे देख रहे हैं, एंड व्हाट वन फील्स एज द फिनोमिना अकर्स, या जब वो फिनोमिना होता है तब वो क्या फील करते हैं. एक तो क्या उनके माइंड में आता है, उनकी थिंकिंग में आता है, और दूसरा व्हाट दे डू फील. सम रिसर्चर्स विल डॉक्यूमेंट दीज एक्सपीरियंसिस थेमेटिकली, जैसे हमने मतलब थीम्स बना के उसको प्रेजेंट कर देंगे उसकी उन एक्सपीरियंसिस को या उस इंफॉर्मेशन को. जैसे हमने अपनी पिछली एग्जाम्पल में किसको देख रहे हैं, हम मदरहुड की हमने एग्जाम्पल दी, तो हम क्या देख रहे हैं, दैट इज मदरहुड इज, या तो हम ये एक थीम बना के उसके रिस्पॉन्स को लिखेंगे, या हम इस तरह से बना सकते हैं कि मदरहुड मीन्स. सो हम वट वी आर गोइंग टू डू, वी आर डॉक्यूमेंटिंग द एक्सपीरियंसिस. ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके, उनको हम बता रहे हैं. नो स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन मेथड, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है. कोई भी हम इसमें डेटा कलेक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं, ऐसे इंटरव्यूज कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लिटरली फिक्शन के थ्रू कर सकते हैं. प्राइमरी टास्क इज रिसर्चर रिफ्लेक्शन ऑन द डेटा टू कैप्चर द एसेंस एंड एसेंशियल्स ऑफ द एक्सपीरियंस दैट मेक इट वॉट इट इज. ठीक है, कि हमने उस एक्सपीरियंस को असल में देखना है, हमने उस एक्सपीरियंस को असल में ऑब्जर्व करना है कि हाउ द पीपल आर लाइक फीलिंग दैट एक्सपीरियंस, हाउ द पीपल आर डीलिंग विद दैट एक्सपीरियंस. वो लोग कैसे उसको डील कर रहे हैं, वो लोग कैसे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, तो हमारे पास वो चीज़ फिनोमिनोलॉजी में आ जाएगी. तो इज दैट क्लियर, कि फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, कि किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस पर ये देखें कि उस फिनोमिना को ऑब्जर्व करने वाले जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो उसको कैसे देख रही हैं, कैसे जज कर रहे हैं, कैसे